है दोस्तों, ये हम आज मिक्सर बनाने वाले हैं। ये सब इंग्रेडिएंट है उसका, कॉर्नफ्लेक्स, पोहा और चना और मैगी मसाला। हम लोग कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे पान देखेंगे, तेल गरम है, फिर धीरे धीरे उसमें कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे और कॉर्नफ्लेक्स पका के एक बाई एक निकालेंगे। देखिए वो कॉर्नफ्लेक्स ठीक से पका हुआ होना चाहिए। फिर हम एक दूसरे कढ़ाई को निकाल देंगे जो हो जाता है। बाद में हम चना डालेंगे और चना को ठीक से फ्राई तल देंगे। और देखिए, आप जब मिक्सर बना रहे हैं तो चना उसके हिसाब से डालिए और देखिए कि चना वो लाल होना चाहिए पूरा और ठीक से तला हुआ होना चाहिए। सारी चीज़ मीडियम आंच में बनाइए, देखिए वो ठीक से तला हुआ होना चाहिए। फिर आप पोहा को धीमे आंच करके पोहा धीरे धीरे डालिए उसमें, और आप धीरे धीरे आंच बढ़ा के मीडियम आंच कर सकते हैं। और बट देखिए कि जल ना जाए, आराम से धीरे धीरे मीडियम आंच में फ्राई कीजिए। बाद में इसमें थोड़ा सा हल्दी, करीबन आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालिए। आप मैगी मसाला डालने वाले हैं तो हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, वरना वो ज़्यादा नमक हो जाता है। कॉर्नफ्लेक्स में मैगी मसाला हम ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड कीजिए। मसाला थोड़ा सा ऐड कीजिए, पूरा ऐड मत कीजिए, और फिर उसको पूरा मिला लीजिए। इसमें कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, अगर थोड़ा तीखा खाना हो तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, सूखा मिर्च थोड़ा फ्राई करके इसमें मिला सकते हैं। पोहा बन चुका है, उसमें हम चना डाल देंगे। पोहा चुड़वा या चूड़ा बोलते हैं काफ़ी जगह पे भी। हो गया है, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको वहाँ को मिला लेंगे और 1 मिनट तक थोड़ा अच्छे से ये कर मतलब मिला लेंगे। अभी देखिए पोहा का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि पोहा ठीक से फ्राई हो चुका है। पोहा हमारा पूरा पोहा और चना मिल चुका है, इसको हम लोग लेके कॉर्नफ्लेक्स में जो हमने पहले बनाया था कॉर्नफ्लेक्स मैगी मसाला के साथ थोड़ा सा मिला के उसमें डाल देंगे और ठीक से
मिक्सर कर देंगे। ये आपका मिक्सर बन चुका है, को तुरंत डब्बे में मत डालिए। अगर आप कहीं पे रखना चाहते हैं तो थोड़ा ठंडा होने के बाद आप रख सकते हैं। देखिए कि अच्छे से जो भी हम लोगों ने बनाया कॉर्नफ्लेक्स और चना अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आपका बन गया मिक्सर।